अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पे जो ट्रेन है वो इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। इस वजह से जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे जीरो होगी। और किस एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव करती है वो गिवन है, वो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल स्पीड, वो हमने फाइंड करनी है। और वो हमने फाइंड करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस मूव करती है, 100 मीटर का। तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 एक्सेलरेशन की यहाँ पे 0.5 और जो s है वो 100 इज इक्वल टू vf हमने फाइंड करना है, माइनस vi वो यहाँ पे जीरो था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये 100 आ जाएगा इज इक्वल टू vf स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, यानी vf इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। उसकी जो फाइनल स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई आपने करना है 3600 से और डिवाइड करना है आपने 1000 से। इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 से कट गई, 10 से कट जाएगा और बाकी 36 बच गया हमारे पास। vf इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.8। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स। एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड, और जमीन पर वापस आती है इन 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड बाद जो बॉल है वो जमीन पे वापस आती है। तो उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा, 3 सेकंड, और वापस आने में भी 3 सेकंड, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड। नंबर 1 पे हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, जो मैक्सिमम हाइट है एक तो वो फाइंड करनी है, और नंबर 2 पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए ये बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है। जब इसको वर्टिकली अपवर्ड हम थ्रो करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसकी जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली जो इसकी जो स्पीड होगी वो हमने फाइंड करनी है, और जिस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड, जहां पे जो मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगी वहां पे इसकी जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। vf इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और यहां से लेके यहाँ तक आपने जो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है उसको हम क्या देंगे, s इज इक्वल टू h, यानी जो हाइट होगी वो इज इक्वल टू s। अब यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे, उसकी जो फाइनल, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी जीरो, g यहाँ पे आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो बॉल है वो ऊपर को मूव कर रही है, और जब किसी चीज को ऊपर हम थ्रो करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, डिक्रीज होती है, और इस वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। जो क्वेश्चन के अंदर 6 सेकंड लिखा है वो है ऊपर जाने का और नीचे आने का, दोनों का टाइम है, तो सिर्फ ऊपर जाने का जो टाइम होगा वो हाफ होगा, यानी 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो 3 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर जाने में। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और उसकी हमने फाइंड करनी है हाइट, यानी इज इक्वल टू h इज इक्वल टू s, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, vf इज इक्वल टू va प्लस gt। vf की वैल्यू यहां पे 0 है, va फाइंड करना है, g की वैल्यू -10 और t यहां पे है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने यहां पे फाइंड करना है s यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, vi की वैल्यू यहाँ पे है 30 टाइम t 3 सेकंड प्लस 1/2, g की वैल्यू यहाँ पे फिर माइनस आएगी -10, क्योंकि जो बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड हम थ्रो कर रहे हैं, तो -10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 को इससे कट कर देंगे तो ये माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये 5 और ये 3 का स्क्वायर 9। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 45 मीटर। तो यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वो है 45 मीटर जहां तक बोल जाएगी। स्टूडेंट्स, अब आपने इन दोनों न्यूमेरिकल को एक दफा खुद भी सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।